जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। कब है हरतालिका तीज का व्रत, जाने शुभ मुहूर्त पूजा विधि, किन सामग्रियों का करें इस्तेमाल। हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही ये व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कई लोगों में व्रत किस दिन किया जाए इसको लेकर संशय देखा जा रहा है। हालांकि हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज महत्व, हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसको हरतालिका तीज और हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का संबंध शिवजी से है और हर शिवजी का नाम है, इसलिए हरतालिका तीज ज्यादा उपयुक्त है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हालांकि कोई भी स्त्री ये रख कर सकती हैं। इसी दिन हस्त गौरी नामक व्रत को करने का विधान भी है, जिसको करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। व्रत करने का शुभ मुहूर्त, पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत सामग्री, सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, धुरवा और जनेऊ आदि। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती, भगवान शिव व श्री गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि, सुबह से संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें। अगर सेहत ठीक नहीं है तो फलहार भी कर सकते हैं। शाम को भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त उपासना करें। स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद माँ पार्वती को सौभाग्य के साथ सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। जो विवाहिता स्त्रियां हैं वह अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं दें और उसके बाद सास का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा के बाद व्रत का पारायण करें। इस दिन रात्रि जागरण करना भी श्रेष्ठ होता है। हरतालिका तीज व्रत का पारण करने के नियम, 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें। उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोलें। फल, खीरा, प्रसाद में चढ़ाए मिष्ठान से भी हरतालिका तीज का व्रत का पारण कर सकते हैं।